हेलो एवरीवन, दिस इज जसप्रीत फ्रॉम बाइक एप्स। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है बहुत ही अच्छा टॉपिक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव लिया था फेसलेस असेसमेंट्स को इंट्रोड्यूस करके, ताकि जितने भी पुरानी असेसमेंट्स में माल प्रैक्टिसेस हो रही थी उनको अवॉइड किया जा सके। बट उसके बावजूद असेसिंग ऑफिसर जो है जो आज भी वेग असेसमेंट्स कर रहे हैं, एक फ्रस्ट्रेशन कह लो या एक प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से, उसको अभी भी रोका नहीं गया। उसका एक एग्जाम्पल मैं एक केस के थ्रू देना चाहता हूँ। तो पहले तो उस केस पे आते हैं। एक पार्टनरशिप फर्म एक्स वाई जेड लिमिटेड, एक्स वाई जेड जो कि 2004 में फॉर्म हुई, ए बी सी एंड डी पार्टनर्स के बीच में। इनका बिजनेस बहुत सिंपल था कि एक बड़े ओईएम के गुड्स को ये ट्रांसपोर्ट करेंगे। इन्होंने ये बिजनेस जो है 2015 तक कंटिन्यू किया। अब 2015 में पार्टनर ए, पार्टनर बी एंड पार्टनर सी ने डिसाइड किया कि वो फॉर्म से रिटायरमेंट देंगे। अब ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ दिस रिटायरमेंट, पार्टनर डी को ये सारा बिजनेस टेक ओवर करना था अपनी प्रोपराइटरशिप कंसर्न में, और वो ये सेम नाम से बिजनेस कर सकता था और सेम ओईएम के साथ। ये उसको रिटायरमेंट डीड में अथॉरिटी दे दी गई थी। अब पार्टनर डी की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो कम से कम चार चीजें इन्फॉर्म करे ओईएम को। पहली कि प्रोपराइटरशिप जो है, पार्टनरशिप जो है वो प्रोपराइटरशिप बन चुकी है। दूसरा, 2% टीडीएस आज तक कटता आ रहा 194C में, वो 1% कटना चाहिए। तीसरा, पैन अपडेट हो जाना चाहिए, पहले पार्टनरशिप का पैन था, प्रोपराइटरशिप का होना चाहिए। चौथा, बैंक अकाउंट भी अपडेट हो जाना चाहिए। अब जो ओईएम है वो रिसीट्स ट्रांसफर करते वक्त बैंक अपडेट कर लेता है और प्रोपराइटर के ही बैंक में सारी रिसीट्स ट्रांसफर करता है, बट टीडीएस की रिटर्न फाइल करते वक्त वो पैन अपडेट करना भूल जाता है, जिसकी वजह से जो सारा टीडीएस जो है वो पार्टनरशिप के नाम पे डिपॉजिट हो जाता है। अब इसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? इन फाइनेंशियल ईयर 2016-17 प्रोपराइटर जो है हमारे केस में डी और ओईएम 18 करोड़ का बिजनेस करते हैं, जिसपे 36 लाख का टीडीएस बनता है। 18 करोड़ के अगेंस्ट जितनी भी रिसीट्स थी वो प्रोपराइटर के बैंक में जाती है, बट 36 लाख का जो टीडीएस है वो पार्टनरशिप के बैंक पैन नंबर पे डिपॉजिट हो जाता है। अब इसके दो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। पहला, प्रोपराइटर को 36 लाख का क्रेडिट नहीं मिलता उसकी आईटीआर में, क्योंकि उसके फॉर्म 26 एएस में वो पैसा रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा था। पार्टनरशिप पे भी इफेक्ट आता है। जो पार्टनरशिप इस पूरे फाइनेंशियल ईयर में कोई बिजनेस कर ही नहीं रही थी, उसके नाम पे 18 करोड़ की कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स अब शो हो रही थी उसके फॉर्म 26 एएस में। अब इस सिनेरियो में असेसिंग ऑफिसर जो है, अब सेक्शन 147 में असेसमेंट करता है पार्टनरशिप की, जिसमें वो पार्टनरशिप को बोलता है कि इस 18 करोड़ की कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स के अगेंस्ट आपने ना तो आईटीआर फाइल की, ना आपने ऑडिट कंडक्ट किया, ना आपने ऑडिट रिपोर्ट फाइल की, आप इस चीज पे कमेंट करो। पार्टनरशिप अपने सारे फैक्ट्स, ये पूरा सिनेरियो अच्छे से एओ को समझाती है विद ऑल द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। पहला, रिटायरमेंट डीड पार्टनरशिप प्रेजेंट करती है, जिससे ये क्लियरली पता चलता है कि पार्टनरशिप डिसॉल्व हो चुकी थी एक साल पहले ही। उसके अलावा पार्टनरशिप अपना बैंक देती है 2016-17 का, जिसमें कोई भी रिसीट नहीं है, ना कोई पेमेंट थी, जीरो बैलेंस। उसके अलावा पार्टनरशिप बैंक देती है पार्टनर डी का, जो कि प्रोपराइटरशिप में बिजनेस कर रहा था ओईएम के साथ, और उस बैंक अकाउंट में इस फाइनेंशियल ईयर में 16 करोड़ रुपए की रिसीट्स थी, अप्रॉक्स 16 करोड़ ओईएम से। इसके अलावा पार्टनरशिप जो है एफिडेविट देती है पार्टनर डी से लेके, जिसमें डी डिक्लेयर करता है कि ये 18 करोड़ की कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स डी को बिलोंग करती हैं और 36 लाख का क्रेडिट भी डी को मिलना चाहिए। इसके अलावा पार्टनरशिप जो है एक मेल ट्रेल भी देती है, जिसमें पार्टनर डी ने ओईएम को ये इन्फॉर्म किया था कि पैन को आप अपडेट कर लो पार्टनरशिप से, प्रोपराइटर का पैन आप अपडेट कर लो। इसके अलावा फॉर्म 26 एएस प्रोपराइटर का, ऑडिटेड बैलेंस शीट्स प्रोपराइटर की और आईटीआर प्रोपराइटर की, ये सब भी पार्टनरशिप प्रोवाइड करती है। 26 एएस में जो ओईएम ने 16 करोड़ रुपीस पार्टनर डी को दिए थे, उसके अगेंस्ट कोई भी टीडीएस की एंट्री नहीं थी। ऑडिटेड बैलेंस शीट में पार्टनर डी ने 18 करोड़ की कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स को अपने टर्नओवर में भी दिखाया था। अब कोई भी पर्सन, अगर उसको इनकम टैक्स लॉ के बारे में नहीं भी पता है, वो भी इन सारे फैक्ट्स को अगर पढ़ता
तो वो इजिली कंक्लूड कर सकता था कि डिडक्टर की इन एडवर्टेंट मिस्टेक की वजह से ही पार्टनरशिप के अगेंस्ट 18 करोड़ की कॉन्ट्रेक्चुअल असेट्स खड़ी हो गई है और जो कि प्रोप्राइटर की है। बट एओ ने इस चीज को कंसिडर नहीं किया। अब अगर एक नॉर्मल पर्सन कर सकता था तो एओ भी इस फैक्ट्स को समझ सकता था, बट क्योंकि आजकल एओस जो है वो प्री डिटरमाइंड माइंडसेट ही फॉलो करते हैं कि उनको एडवर्स ऑर्डर ही इशू करना है किसी भी असेसमेंट में, इसीलिए वो ये सारे फैक्ट्स को कभी भी कंसिडर करते ही नहीं। हमारे केस में भी सेम हुआ, एओ ने प्री डिटरमाइंड माइंडसेट बनाया कि एडवर्स ऑर्डर ही इशू करना है, और डिस्पाइट ऑफ एक स्ट्रॉन्ग केस पे भी उसने एक असेसमेंट ऑर्डर इशू किया जिसमें उसने इन फैक्ट्स को इग्नोर किया, और सिर्फ इग्नोर ही नहीं, उसने इन फैक्ट्स को अपने असेसमेंट ऑर्डर में मेंशन ही नहीं किया, क्योंकि अगर वो इन फैक्ट्स को मेंशन करता तो इजिली प्रूव भी हो सकती है चीजें और उसको इस इन फैक्ट्स को नेगेट भी करना पड़ता, इसलिए उसने इन फैक्ट्स को मेंशन ही नहीं किया। और इस फैक्ट को उसने मेंशन भी किया तो उसने नेगेट कर दिया ये कह के कि मैं नहीं मानता कि 18 करोड़ की कॉन्ट्रेक्चुअल असेट्स प्रोप्राइटर ने दिखाई है। अब उसने दो गलत चीजें की, पहला फैक्ट्स को इग्नोर किया, दूसरा एक रेलेवेंट फैक्ट को नेगेट किया। उसके अलावा उसने दो एस्टैब्लिश प्रिंसिपल लॉ को भी वॉयलेट किया अपने दो ग्राउंड्स पे। उसका पहला ग्राउंड था कि फॉर्म 26AS में पार्टनरशिप के इनकम रिफ्लेक्ट हो रही है। दूसरा उसका ग्राउंड था कि OEM जो कि इस केस में एक थर्ड पार्टी है उस पर उसने नोटिस इशू किया था और OEM से एक स्टेटमेंट ले ली थी जिसमें OEM ने बोला कि हमने जो TDS डिडक्ट किया वो एज पर इनवॉइस डिटेल्स किया और हमने कोई गलत चीज नहीं की है, जो कि एक कॉमन सेंस है कि कोई भी डिडक्टर अपनी गलती नहीं मानेगा कि उसने गलत किया है, और लेकिन इस स्टेटमेंट पे रिलाय कर लिया और इन दो फैक्ट्स पे उसने ये पूरा असेसमेंट ऑर्डर इशू किया। ये दोनों ही फैक्ट्स एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ के अगेंस्ट है, क्योंकि फॉर्म 26AS को एक मेयर ग्राउंड नहीं माना जा सकता आप एडिशन का, क्योंकि आपको बेनिफिशियल ओनर प्रूफ करना पड़ेगा किसी भी एसएससी को उस रिसीट्स का, और जिसका ओनस या उसकी लायबिलिटी असेसिंग ऑफिसर पे ही होती। यही सेम चीज कंक्लूड की थी ITIT सूरत ने इन द केस ऑफ डॉक्टर स्वाति महेश वर्सेस DCIT, और सेम चीज कंक्लूड की थी ITIT कोलकाता ने इन द केस ऑफ ITO वर्सेस MS स्टार कंसोर्टियम। उसके अलावा किसी भी थर्ड पार्टी की स्टेटमेंट को विदाउट एनी फर्दर स्क्रूटनी या एक अपॉर्चुनिटी दिए बिना एसएससी को उसकी क्रॉस एग्जामिनेशन की उस स्टेटमेंट की, उसको एक मेयर ग्राउंड नहीं बनाया जा सकता एडिशन के लिए। यही सेम ऑब्जर्वेशंस थी सुप्रीम कोर्ट की इन द केस ऑफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस ओडियन बिल्डर्स एंड हाई कोर्ट दिल्ली की इन द केस ऑफ CIT वर्सेस सुनील अग्रवाल। बट इन दोनों एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को भी असेसिंग ऑफिसर ने वॉयलेट किया, फैक्ट्स को इग्नोर किया, नेगेट किया फैक्ट्स को, वॉयलेट किया प्रिंसिपल्स को और असेसमेंट ऑर्डर इशू किया। एज अ रिजल्ट उसने डिमांड रेज कर दी पार्टनरशिप फर्म के अगेंस्ट। अब एक उसने सही चीज की, उसने 18 करोड़ रुपीस की कॉन्ट्रेक्चुअल रिसीट्स पे 8% का प्रॉफिट माना पार्टनरशिप का, और जो कि था 1.47 करोड़, जिसपे टैक्स लाइबिलिटी बनती है 51 लाख रुपीज। अब अगर कोई भी नॉर्मल पर्सन एक कॉम्पिटिशन बनाता तो इस 18 करोड़ के TDS को जरूर इससे माइनस करता, जो कि 36 लाख है इस केस में, और टैक्स लायबिलिटी 15 लाख आती। अब क्योंकि ये केस पर्टेन करता है असेसमेंट ईयर 17-18 को, जो कि फाइनेंशियल ईयर 16-17 है, 15 लाख रुपीज पे इंटरेस्ट भी आता है अंडर सेक्शन 234A(b)(c), जो कि 18 लाख अप्रोक्स बनता, तो टैक्स लायबिलिटी 33 लाख बन जाती। बट असेसिंग ऑफिसर ने यहां पे भी क्लेरिकल एरर्स किए, उसने 36 लाख को इग्नोर किया या कंसीडर ही नहीं किया, अभी अनइंटेंशनली किया या अनइंटेंशनली किया इस चीज को अब बोला नहीं जा सकता। उसने 51 लाख को टैक्स लायबिलिटी माना जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट कैलकुलेशंस थी वो भी बढ़ गई, और इंटरेस्ट कैलकुलेशन जो 18 लाख होना चाहिए था वो 69 लाख का इंटरेस्ट बना, और जो डिमांड 33 लाख की रेज होनी चाहिए थी वो डिमांड 1.2 करोड़ रुपीस की रेज हो गई, विच इज 4 times। अब जो मिसयूज है अथॉरिटी का कि आप फैक्ट्स को नेगेट कर रहे हो, आप रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स को इग्नोर कर रहे हो, फैक्ट्स को भी इग्नोर कर रहे हो, आप एस्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ लॉ को भी वॉयलेट करते हो, आप छोटे छोटे क्लेरिकल एरर्स करते हो,
अब इन सब चीजों से कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं एसएससी के लिए, ये एक मेंटल हरासमेंट है, और सिर्फ एसएससी के लिए नहीं, हायर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के लिए भी उनका प्रीशियस टाइम वेस्ट करता है ये। बट इसके अगेंस्ट एसेसिंग ऑफिसर को कोई भी कॉन्सिक्वेंस बेयर नहीं करने पड़ते। अब इन सब चीजों को रोका कैसे जा सकता है, इन सब का सॉल्यूशन क्या है? हायर अथॉरिटीज को एक या फिर लॉ में एक प्रोविजंस आने चाहिए, स्टैट्यूट प्रोविजंस आने चाहिए कि असेसिंग ऑफिसर अगर प्री डिटरमाइंड माइंडसेट से एडिशंस करे, फैक्ट्स को नेगेट करे, फैक्ट्स को इग्नोर करे, या फिर एस्टैब्लिश प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ को वायलेट करे, उनको सस्पेंशन फेस करनी चाहिए। तब जाके ही असेसमेंट जो है वो अच्छे से होंगी और हायर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज के टाइम वेस्ट नहीं होंगे। थैंक यू।